की चाल थी, और खास करके निफ्टी बैंक में कल काफी अच्छा मूव आया था। कल के दिन में हमने देखा था एक समय पर करीबन 1500 पॉइंट की छलांग लगा चुका था, वहां से प्रॉफिट बुकिंग हुई और वहां से करीबन 800 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी पे आ चुका है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये जायज है कि प्रॉफिट बुकिंग देखी जाएगी। यहाँ पर ये इंडेक्स चलकर निकला था करीबन 39,500 से और 41,800 के आसपास ही आ चुका था, तो ओवरऑल काफी अच्छा मूव आ गया है, उसी में प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन बाय ऑन डिप की राय होगी निफ्टी बैंक पे अभी भी, जब तक इसका गैप का जो एरिया है 40,500 का वो इंटैक्ट रहता है, मेरे ख्याल से यहाँ पे जो डिप मिली है उसमें शायद वापस से बाइंग इमर्ज होनी चाहिए और फिर से हम बैंक निफ्टी को 41,500 के आंकड़े पे जाता हुआ पाएंगे। तक जा सकता है निफ्टी बैंक, एक यू टर्न लेकर रिकवरी आएगी ये भरोसा। यहाँ पर अगर देखें तो बहुत अच्छा मूव आया है, अच्छी खासी कैंडल स्टिक बनी है, और आज के दिन में जहाँ बाजार में थोड़ा दबाव बना है ऊपरी लेवल से, ये स्टॉक अभी भी काफी अच्छा बुलिश कैंडल बना के चल रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप हुए हैं। तो टीसीआई एक्सप्रेस पे बाय कॉल की राय होगी, स्टॉप लॉस लगाना होगा 1710 का, टारगेट है 1950 का। ओके, 1950 आप कह रहे हैं, 1950 टारगेट रहेगा। एक बार स्टॉप लॉस दोहराएंगे प्लीज। 1710 का स्टॉप लॉस है। 1710 नंबर्स आए थे मुझे याद है कल टीसीआई एक्सप्रेस की या फिर ओवर द वीकेंड, और उस पर कल रिएक्ट किया। आज स्टॉक वाकई में 9% ऊपर है, यहां पर एक अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दे रही है। तो टीसीआई एक्सप्रेस, ये वो ट्रेड जो आशीष ने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। इसमें बहुत अच्छा मूव आ चुका है, यहाँ से गुंजाइश है, मोमेंटम अभी भी बरकरार है, और ओवरऑल कंजम्पशन स्टोरी जो हम देख रहे हैं फिलहाल बढ़नी चाहिए यहाँ से। जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन हो रहे और लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी, मेरे ख्याल से इवेंचुअली शॉपर स्टॉप जैसे स्टॉक्स है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इंट्राडे के नजरिए से अगर हम खाली चार्ट के बेसिस पे देखें तो भी काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, वॉल्यूम्स पिकअप हुए, तो यहाँ पर लॉन्ग जाने की राय होगी शॉपर स्टॉप में। स्टॉप लॉस 340 का लगाना होगा, टारगेट 390 का है। बेक के टारगेट के लिए मौका खरीदारी का, और ठीक 16 रुपए नीचे यानी कि 340 के आसपास आप लगाइएगा स्टॉप लॉस। शॉपर स्टॉप के भी नंबर्स में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली थी, और ऑफ कोर्स फेस्टिव सीजन के चलते उम्मीद इनकी ये भी थी कि थर्ड क्वार्टर के नतीजों में और बेहतरी देखी जाएगी, ये कमेंट्री भी मैनेजमेंट ने दी थी। तो ये बात हुई अगले ट्रेड की।